जो आप एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है, जो आप लोग यहाँ पे हॉल में प्रेजेंट है, आपकी जो कहानियाँ जब लोगों तक पहुँचती हैं, दे आर सो इंस्पिरेशनल, इतना इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है आपकी कहानी पढ़ के, समझ के कि आप ही लोग हैं जो कि प्रदेश को एक इकोनॉमिक पाथ पे आगे बढ़ाते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाते हो, और खाली इस प्रदेश को ही नहीं, उससे आप पूरे देश को आगे बढ़ाते हो। दिस इज आवर 34th कॉफी टेबल बुक। हम लोग 2009 से काम कर रहे हैं इसमें, 34th कॉफी टेबल बुक, एंड अमंग दोज बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स दिस इज द 24th। अलग अलग प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि अब हिमाचल में भी हम देख रहे हैं हम कर पाए कि नहीं, हरियाणा में, हर जगह हम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट सिटीज में हम लोगों ने ये किया है, जिसमें हम लोग दैनिक जागरण ने आगे बढ़ के लोगों को रिकग्नाइज किया है। तो अब आप भी उसी श्रेणी में शामिल हो गए, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, और यू शुड फील वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ टू बी इंक्लूडेड इन दैट ऑनर। सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, आज का जैसा आपने फंक्शन किया नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको सम्मान करने में, इसी तरह रोज कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, कल भी शायद कुछ था, आगे भी कुछ होगा, इस तरह का काम आप बहुत करते हैं और आप इसको करते रहें, मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स आए हैं ये सब बधाई के पात्र, ये पता नहीं किन किन कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों से निकल के आज इस लायक बने हैं कि आपकी किताब में छपे। एक दिन में नहीं बन जाता है आदमी, असफलताओं के रास्ते से निकलता है तब सफलता की जगह पे पहुंचता है। एक बहुत मशहूर शेर है किसी शायर का कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी वो हादसों का हुजूम था, ये तो कहिए कि मेरा ही काम था कि मैं दरमियां से गुजर गया। तो बहुत तरह की दिक्कतों से निकल गया। दैनिक जागरण, आईनेक्स्ट, स्मार्ट पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो।